घरेलू महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने समाज सेविका सुमन त्रिपाठी ने वार्ड 16 सुपेला में महिलाओं की बैठक लेकर उन्हें रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी देकर शिविर आयोजित करने का आश्वासन दिया। महिला उत्थान और कामकाजी महिलाओं को स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने समाज सेविका सुमन त्रिपाठी प्रयासरत है। इसी के तहत सुमन त्रिपाठी विभिन्न वार्डों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने उन्हें स्वावलंबी बनाने लगातार बैठकें आयोजित कर रही है। बैठक के माध्यम से महिलाओं को महिला उत्थान के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही स्वरोजगार को लेकर महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी समाज सेवी सुमन त्रिपाठी द्वारा ली जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड 16 सुपेला में सुमन त्रिपाठी के नेतृत्व में महिलाओं की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित हुई और अपने द्वारा रोजगार को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य रूप से महिलाओं ने आवश्यक संसाधनों की अनुपलब्धता से सुमन त्रिपाठी को अवगत कराया। महिलाओं से चर्चा कर सुमन त्रिपाठी ने उन्हें स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और स्वरोजगार से जुड़ने महिलाओं द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। बैठक में समाज सेविका सुमन त्रिपाठी को महिलाओं ने कार्य के दौरान आ रही कठिनाइयों से भी अवगत कराया, जिस पर उन्होंने इसके निराकरण को लेकर मदद करने का आश्वासन दिया। सुमन त्रिपाठी ने बताया कि कामकाजी महिलाओं में स्वरोजगार से जुड़ने को लेकर खासा उत्साह है। महिलाओं ने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने में भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जो कि एक सराहनीय कदम है। यहाँ मैंने ये देखा कि ये अभी शुरुआत होने जा रही है, ये अभी सेंटर खुलेगा और सेंटर खुलने के नाम से ही इतना उत्साह है महिलाओं में कि सबके सब अभी लिस्ट में नाम लिखवा रही हैं कि यहाँ खुलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब में शायद किसी ने प्रयास ही नहीं किया। अगर कोई प्रयास करता तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी अपने घर में दोपहर के समय बैठा होता। कोई ना कोई हुनर सब में है और वो ज़रूर आके अपना जो हुनर है वो दिखाना चाहता है और मैं कोशिश करूँगी कि उसको रोज़गार से जोड़ दिया जाए जिससे इनका उत्साह और बढ़ जाए। तो यहाँ पे भी सिलाई पार्लर कंप्यूटर का कोर्सेज हम लोग चालू करने वाले हैं बहुत जल्द और बहुत खुशी है मुझे कि इतनी महिलाएं सिर्फ सुन के आ जाती हैं, भीड़ में आ जाती हैं कि हम भी चाहते हैं करना, तो मुझे इसी चीज़ की बहुत खुशी है। गौरतलब है कि समाज सेविका सुमन त्रिपाठी के प्रयासों से अनेकों महिला स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। महिलाएं घरेलू कामकाज के साथ अपनी आय के साधन भी बढ़ाएं और अपने पैरों पर खड़ी हों, जिसके लिए उनके द्वारा महिला उत्थान को लेकर कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।